Hello and welcome to my YouTube channel Career Capsule Plus. Today I have a video that is very interesting and helpful. In this video I will discuss the study material and strategy for JKPSC Assistant Registrar post. So if you are new, don't forget to subscribe my channel. I will make your journey more easier and smooth. Plus I will provide you MCQs. So let us discuss the video. तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैंने ये रखा है कि सिलेबस क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है. तो यहाँ पे टोटल आपके 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है. 100 पॉइंट्स में से आपका जो 75% वेटेज है आपके रिटन एग्ज़ाम का और 25 पॉइंट्स है इंटरव्यू यानी वाइवा का. लिहाजा इसमें आप अगर आपने फॉर्म सबमिट किया होगा तो ऑलरेडी उस पर दिया गया था कि जो डिप्लोमा जिस जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा के साथ होगा इन कॉपरेटिव, ठीक है, उसको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगी. मगर उसको कहाँ से प्रेफरेंस मिलेगी, बस इन 25 पॉइंट्स में, राइट. तो यहाँ पे हर किसी का इक्वल वेटेज 75 मार्क्स 75% हैं, ठीक है, 100 में से 75%. तो यहाँ पर उनको कुछ वेटेज नहीं मिलेगी. अगर वेटेज मिलेगी बस ओनली यहाँ 25 पॉइंट्स में. दोस्तों सिटल अगर किसी के पास कॉपरेटिव का डिप्लोमा होगा, मुझे लग रहा है अगर 25 में से उसको अगर 18 मिलेंगे तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा तो आपको भी 15 मिल जाएंगे, राइट. तो वहाँ पे अगर उसको अगर आपने यहाँ से अच्छा स्कोर किया रिटन एग्ज़ाम में तो मुझे लग रहा है आपके चांसेस बन रहे हैं, अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं. लिहाजा आप डिमोरलाइज मत हो जाए कि इसमें कॉपरेटिव वालों को एडवांटेज हैं जिनके पास डिप्लोमा होगा. नहीं, अगर आप रिटन एग्ज़ाम अच्छा करोगे, इंटरव्यू भी अच्छा होगा तो मुझे लग रहा है आपके चांसेस अच्छे खासे होंगे, राइट. सो लेट अस डिस्कस कि यहाँ पे दो पार्ट्स में से आपका जो सिलेक्शन दो पार्ट्स से होगी. तो एक पार्ट इसमें रिटन टेस्ट का होगा. तो रिटन टेस्ट जो आपका रिटन टेस्ट है तो उसमें आपके 120 MCQs होंगे, राइट. तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा तो 2 घंटे आपको दिए जाएंगे. तो उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, राइट. तो दोस्तों ये आपके 120 क्वेश्चंस हैं. तो ये आपका फिर कन्वर्ट हो जाएगा 75 पॉइंट्स में, राइट. तो यहाँ पे सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो पहला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स. और जो करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ इश्यूज़ होंगे. तो ये जो पहला कंपोनेंट है ओपन एंडेड है दोस्तों, बहुत कुछ इसमें आपको पूछा जाएगा. तो ये ओपन एंडेड है. हिस्ट्री है इसमें, लाइक हिस्ट्री में से आपका एनिशेंट भी आ जाएगा, कल्चर भी, ठीक, मॉडर्न, मेडिवल. तो ये हिस्ट्री का कंपोनेंट तो ओपन ही है. ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी ओपन है, इतने सारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, बुक्स हैं. पॉलिटिकल साइंस, इकॉनमी, लिहाजा ये ओपन है. तो मुझे लग रहे हैं अलग अलग सोर्स का कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं. लाइक हिस्ट्री में आप जाओ एक बल्कि बुक पढ़ोगे, नो, इट इज़ नॉट कास्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ वेरी लो. सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद तरुण गोयल, राइट. तो वहाँ पे तरुण गोयल में हर एक लाइक एंशंट हिस्ट्री के 10-15 पेज आपको मिल जाएंगे, राइट. मॉडर्न के 10-15 पेज, इकॉनमी के 10-20 पेज. तो लिहाजा अगर आप ये दो लगभग ये तो मेरे ख्याल से बल्कि बुक हैं, बट यू हैव टू फॉलो अ सिलेक्टिव रीडिंग, राइट. तो आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने होंगे वहाँ से, तरुण गोयल से. तो उसको बार बार आप रिवाइज कर लो तो मुझे लग रहा है ये तो बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. फ्रेंड्स, यू डू नॉट नीड टू पे मनी फॉर कोचिंग, राइट. तो जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा तो बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स. तो जस्ट फोकस ऑन सेल्फ स्टडी. मुझे लग रहा है सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इफेक्टिव. अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, बार बार रिविजन करोगे और आप प्लस आप सेंसियर एफर्ट्स पुट करोगे, मुझे लग रहा है तो आउटकम्स अच्छे होंगे. इन केस यू हैव एनी इशू, यू कैन कंटेक्ट मी ऑन माई मेल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट. तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा किससे, ये आपका तरुण गोयल से ही हो जाएगा. तो अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो सिटल आई विल ट्राई फॉर PDF. अगर PDF मुझे मिला तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, अगर मिला. इन केस अगर नहीं मिला तो देन यू हैव टू परचेज इट. तो उसके बाद आपका जो इसमें एक और कंपोनेंट है दैट इज़ करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल. तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. मुझे लग रहा है कि अगर आप ये पढ़ने बैठोगे तो सारा कुछ आपको छूट जाएगा. बट
हियर यू नीड टू फॉलो स्मार्ट स्ट्रेटजी। स्मार्ट स्ट्रेटजी इन द सेंस कि अगर आप करंट अफेयर्स की बात करोगे, 5-6 क्वेश्चंस अगर आएंगे तो सिटल मुझे लग रहे हैं, तो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ी होगी तो सिटल यू विल बी एबल टू आंसर नॉट मोर देन 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे सिटल यू कैन आंसर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि मैं ऑलरेडी हर एक जे के SSB एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करता हूँ, राइट। तो मेरे पास बहुत सोर्सेज हैं, तो वहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स फिल्टर करके आपके पास लेके आता हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस, जो भी रिक्वायरमेंट है JKPSC या JKSSB के लिए, तो वो पॉइंट्स मैं वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स रखता हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है, बस आपको कुछ वीडियोस मुझे लग रहा है तो जून 2020 से मैंने कवर की, तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया, तो मुझे लग रहा है अब पूरे साल की आपको 2-4 वीडियो 5 वीडियो आएंगे, तो हर एक वीडियो एटलीस्ट 30-40 मिनट्स का ही होगा, लिहाजा आपका ये करंट अफेयर्स वहाँ से कवर होगा। तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कवर किए हैं, अगर आपको लग रहा है उनमें से भी आप अपने तरीके से फिल्टर करोगे कि आपको क्या ज़रूरत है, JKSSB में क्या कौन सा पॉइंट ज़रूरत है, या JKPSC में कौन से क्वेश्चंस इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको अपने नोटबुक में वही पॉइंट नोट करने होंगे। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। तो उसके बाद आपके पास ये कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर में तो आपके बेसिक्स ही आएगा, तो मुझे लग रहा है अगर आपने JKSSB के लिए प्रपेयर किया होगा या कर रहे हो तो आपको अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिटल अगर आपने ये बुक पढ़ी है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बाई रिहान, तो ठीक है उसको रिवाइज़ कर लो। अगर आप नए हो, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सिटल आई वुड सजेस्ट ये बुक आप परचेज़ कर लो। तो वेरी बल्की बुक नहीं है, बट मुझे लग रहा है 100 पेजेस की बुक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है इसमें। अगर आप इसको बार बार रिवाइज़ करोगे तो आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है इसमें इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पोस्ट एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा, मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, रोल कंट्रीब्यूशन स्टेट यूटी पॉलिटिक्स। तो जितना भी यहाँ से हैं कि आपको एक तो लक्ष्मीकांत पढ़नी होगी, लक्ष्मीकांत आपको बस सिलेक्टेड टॉपिक्स उससे भी पढ़ने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेबस सामने रखो कि आपको क्या पढ़ना है, और जहूर अहमद आपको जम्मू एंड कश्मीर के लिए पढ़नी होगी, क्योंकि जहूर अहमद मीर जो बुक है खलील पब्लिकेशन की, उससे आपका एक तो जम्मू एंड कश्मीर जो इसमें पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो भी कवर हो जाएगी, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो भी। ठीक है, तो लिहाजा आप जहूर अहमद और इंडियन पॉलिटी आप दोनों सोर्सेज कंसल्ट करिए। तो उसके बाद ज्योग्राफी में ऑलरेडी ये तो यहाँ पे इंडिया की ज्योग्राफी है, प्लस आपके जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जहूर अहमद सजेस्ट की, उसमें आपको यानी ज्योग्राफी भी मिलेगी, पॉलिटी थी, हिस्ट्री भी, यानी जम्मू एंड कश्मीर के सारे कंपोनेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब रही बात इंडियन हिस्ट्री की, तो ऑलरेडी अगर आपने किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया होगा तो आपने 11th 12th NCERTs पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी आपको यही करना है कि 11th 12th NCERTs पढ़ लीजिए। तो अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन रहा तो सिटल यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे, राइट। तो ये 11th 12th की NCERT बुक्स हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास अभी ये बुक्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं जो NCERT का अपना पोर्टल होता है वहाँ पे आपको बस एक तो क्लास रखना होगा, क्लास प्लस टाइटल क्या है बुक बुक की, राइट, जो भी टाइटल होगा वहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको वो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में वो पोर्टल आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आपके पास हिस्ट्री प्रोस्पेक्टिव ऑफ कॉपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कॉपरेटिव के बारे में आपको हिस्ट्री ऑरिजिन पढ़ना होगा, और टाइप्स लेजिस्लेशन वेरियस एक्ट्स क्या है स्टेट के और सेंट्रल के भी। तो ये जो टॉपिक हैं तो इसमें स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगी आपको, अगर मिलेगी भी तो उसमें कुछ ही एक्ट्स कवर होंगे, लिहाजा आपको क्या करना है कि विकिपीडिया से आपको ये सब कुछ अपने नोटबुक में मेंशन करना होगा, यानी आपको एक कंसाइज सा नोट बनाना होगा इस पोर्शन के लिए। ठीक है, इस पोर्शन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मुझे लग रहा है 10-12 दिन में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पे नोट मेकिंग ही करनी होगी। नोट मेकिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन अगर जो भी इससे पहले आपने पढ़ा है यहाँ पे ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, अगर उसमें नोट नहीं बनाओगे तो चलेगा, यहाँ पे आपको नोट बनाना ही होगा, ठीक है। तो जितने भी सारे एक्ट्स हैं आप गूगल करके इसमें अपनी नोटबुक्स में मेंशन करिए, राइट। तो ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं प्लस अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी कुछ लेक्चर्स अपलोड कर लूँगा जिसमें आपके कॉपरेटिव्स की हिस्ट्री टाइप्स वगैरह, ठीक है, तो वो कवर हो जाएंगे वहाँ से। तो लिहाजा अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको भी फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ से। यहाँ से व्यूअर्स, हियर आई एम प्रोवाइडिंग जॉब एंड एडमिशन अपडेट अलॉन्ग विद MCQs, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ एज़ पर द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट, राइट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लास्ट कंपोनेंट आपका रहा यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी, राइट। मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्रहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो इसका जो सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा ओपन एंडेड ही है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप ये जो मेंटल एबिलिटी एनालिटिकल एबिलिटी, एक बुक आती है सी सैट की, राइट, सी सैट बाई एरिहांत, यहाँ से आपका सारा कवर हो जाएगा। तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे प्लस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादा आपको डाउट रहा तो सिटल आप रेफ़र कर सकते हो, स्टडी स्मार्ट एक यूट्यूब चैनल है, आप जब सर्च करोगे वहाँ से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको MCQs भी अपलोड करूँगा, राइट, आपके लिए जितने भी MCQs बन जाएंगे तो आई विल प्रोवाइड यू अ हेल्प। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे पटवारा के लिए भी MCQs अपलोड करता हूँ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी, आपके लिए भी ये इनिशिएटिव रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपका रिटर्न का हो गया, बहुत कम सिलेबस है, मुझे लग रहा है दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट द जम्मू एंड कश्मीर गेजेटेड पोस्ट, राइट, क्योंकि बहुत कम सिलेबस हैं और पोस्ट भी अच्छे खासे हैं, 91। अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया तो अभी उसमें लास्ट डेट है, आई थिंक 16 जून तक इसका लास्ट डेट है, तो प्लीज़ आप इसको अप्लाई करिए और अपनी किताबों में अपना अटेंशन रखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्टर्स हैं मुझे लग रहे हैं, तो ये तो डूएबल हैं। इंटरव्यू आपका है कि इंटरव्यू जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू में जाना होगा। इंटरव्यू में आपका क्या पूछा जाएगा, यही आपकी नॉलेज ही चेक करते हैं प्लस आपकी पर्सनैलिटी, तो रिलेटेड टू दिस कॉपरेटिव मोमेंट। तो फिलहाल आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद हम इंटरव्यू पे आ जाएंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेरी होगी तो सेटल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देयर आई एम रिप्लाइंग इमीडिएटली, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।